हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम वेलकम टू डेली मिरर। बिहार जो कभी अपने पिछड़ेपन और गरीबी के लिए जाना जाता था अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। ऐसे में आज हम आपको बिहार के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आने वाले सालों में राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे और बिहार गुजरात महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों की कतार में सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। इसलिए ये वीडियो न सिर्फ आपके लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है बल्कि अपने राज्य को लेकर आपका नजरिया भी बदल देगा। इसलिए इस पर अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देखें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जुगलबंदी से बिहार का भविष्य ऐसा चमकने वाला है जिसके बाद बिहार के माथे से पिछड़ेपन, कंगाली और बदहाली का ठप्पा हमेशा के लिए हट जाएगा। ऐसे में वो 10 मेगा प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो बिहार के हर कोने में बदलाव की बयार ला रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पटना मेट्रो रेल परियोजना। पटना मेट्रो रेल परियोजना बिहार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। 13,365 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना का मकसद 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राजधानी पटना में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और शहर को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक और दूसरा पटना स्टेशन से ISBT तक। 31.39 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। पटना मेट्रो न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। पटना मेट्रो के शुरू होते ही 10,000 लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। गया राजगीर नालंदा पर्यटन सर्किट। बिहार के सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया, राजगीर और नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना इन ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक परिवहन सुविधाओं, होटलों और अन्य बुनियादी ढांचे से जोड़ रही है। ये परियोजना न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े ये स्थल बिहार की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर मजबूत करेंगे जिससे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और न सिर्फ बिहार सरकार की कमाई में इजाफा होगा बल्कि इन इलाकों के कारोबार में भी काफी बढ़ोतरी होगी। बक्सर थर्मल पावर प्लांट। जब राज्य लगातार तरक्की कर रहा हो तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत बिजली की होती है। ऐसे में बिहार की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बक्सर में 1320 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। 10,439 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट राज्य में बिजली आपूर्ति को स्थिर और सुलभ बनाएगा। ये पावर प्लांट न केवल राज्य के गांव और शहरों को पर्याप्त बिजली देगा बल्कि औद्योगिक विकास में भी सहायक होगा। ये परियोजना 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। बाढ़ हाजीपुर गंगा मेगा ब्रिज। गंगा नदी पर बाढ़ और हाजीपुर को जोड़ने वाला ये पुल बिहार के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में से एक है। 4,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण बिहार को सीधे जोड़ना है। पुल के निर्माण से यात्रा का समय कम होगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी। ये परियोजना क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक होगी। बेगूसराय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। बेगूसराय में बन रहा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान देगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 60,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही ये परियोजना बिहार में रोजगार और उद्योगों के लिए नए रास्ते खोलेगी। आने वाले सालों में इसमें 1,00,000 लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। ये कॉम्प्लेक्स न केवल पेट्रोकेमिकल उत्पादों की आपूर्ति करेगा बल्कि राज्य के अन्य उद्योगों को भी सशक्त बनाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विकास गंगा नदी पर परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन को बढ़ावा देना है।
इस परियोजना से बिहार के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, क्योंकि ये राज्य के लिए सस्ती और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल परिवहन साधन प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट में 2000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके लिए बिहार में ड्राई पोर्ट का निर्माण पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसके जरिए बिहार में बने उत्पादों को विदेश भेजा जा रहा है। दरभंगा एम्स। बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और लोगों को इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में न भटकना पड़े, इसके लिए दरभंगा में एक नया एम्स बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दरभंगा पहुंचकर किया था। 1200 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये प्रोजेक्ट न केवल राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में भी योगदान देगा। सासाराम आरा छप्पर एक्सप्रेसवे। ये परियोजना बिहार में सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सासाराम, आरा और छपरा को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे राज्य में तेज और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा। परियोजना के तहत यात्रा का समय कम होगा, जिससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को 4000 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। बिहार का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार के विकास के लिए एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है राज्य का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जी हाँ, बिहार को आने वाले सालों में 5 नए एयरपोर्ट मिलने वाले हैं, जिससे राज्य में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 3 से 8 हो जाएगी। बिहार सरकार के सचिव ने साफ कर दिया है कि अगले साल पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी, जबकि रक्सौल, राजगीर, भागलपुर और बिहटा एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है, जो आने वाले सालों में ऑपरेशनल होगा। राजगीर एयरपोर्ट पटना और गया के बीच बनाया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करना और पर्यटन और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना है। राजगीर एयरपोर्ट बिहार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क प्रदान करेगा। बिहार सिंचाई सुधार परियोजना। बिहार में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्हें न सिर्फ मदद दी जा रही है, बल्कि किसानों के लिए सिंचाई सुधार परियोजना वरदान साबित हो रही है। इस परियोजना के तहत राज्य की नहरों और जलाशयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस परियोजना से किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और उन्हें मौसम पर निर्भर रहने की जरूरत कम से कम होगी। ये प्रोजेक्ट राज्य को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों की आय और उत्पादन दोनों बढ़ेगा। बिहार के ये 10 मेगा प्रोजेक्ट्स राज्य को विकास के नए पथ पर ले जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन और उद्योगों में ये परियोजनाएं न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही हैं, बल्कि रोजगार और समृद्धि के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं। सरकार की ये पहल बिहार को पिछड़ेपन से उबार कर एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि बिहार में सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ चुका है। केवल अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के बीच राज्य को 5400 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट मिला है, जो कि अभूतपूर्व उपलब्धि है। पटना में 19 और 20 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल समिट में इस साल 1,00,000 करोड़ तक के निवेश के लिए MOU साइन होने की चर्चा है। बिहार में निवेश के इस नए चरण का एक बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज और सहायता नीतियों की घोषणा की है। राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा ने पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और गया जैसे प्रमुख शहरों में नए औद्योगिक पार्क और क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। इनमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। इन परियोजनाओं से न केवल राज्य में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि 1,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार के सीधे अवसर मिलेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।